भाई तुम तो निकल गए, इनको हम डूब और गए हैं। यूट्यूबर है भाई, यूट्यूबर। हेलो हेलो साबू, साबू गेमर भाई। हेलो हेलो साबू, साबू कौन है? हे व्हाट्सअप, तो की हाल चाल, राम राम, सत्यकाल, सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है आपके भाई के चैनल सब्बू गेमर पर। जो भी अपने भाई चैनल पे न्यू हो, जिसने अभी तक सब्सक्राइब वाला बटन, सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना एंड अपने भाई को प्यारा से सपोर्ट कर देना। तो यार आज का अपना वीडियो स्टार्ट होता है, नॉर्मली टॉप 10 ट्रिक्स लाए हैं। सो अगर इसमें लगेगा तो टॉप 5 ट्रिक्स ही बता पाएंगे एंड देन जो भी नेक्स्ट ट्रिक बचेगी तो हम सेकेंड पार्ट में जरूर आपके लिए लेके आएंगे। सो यार नॉर्मल फर्स्ट पॉइंट, तो कुछ पॉइंटों के ऊपर चलते हैं, टिप्स के थोड़ा हल्का से एक साइड रखते हैं। तो पॉइंट पॉइंट नंबर वन है कि भाई कितने पॉइंट है नॉर्मली यार सोलो पे में अगर आ गए कितने पॉइंट पे मिल रहा। सो यार 4200 पे यानी एस पे कौन कर मिल जाएगा, ये सबसे इजी तरीका सोलो पीवी का। यानी मतलब ऐसा किसी में नहीं है कि भाई जो एस पे कौन कर कोई देता है देता है, बट बहुत मतलब स्क्वाड के अगर बात करोगे तो दो दिन या एक दिन में आपको कौन कर मतलब एस करना होता है तब आपकी जगह कहीं कौन कर लगता है। बट चलो हम छोड़ते हैं, इन सबको अवॉइड करते हैं, हम चलते हैं सोलो पीवी की ओर। सो देखो पॉइंट आपको पॉइंट नंबर वन है कि भाई आपको 4200 पॉइंट चाहिए। सो वो कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे पूरा इस वीडियो में बताएंगे। तो चलो ठीक है भाई, तो चलो भाई हम हमारा नॉर्मल फर्स्ट गेम स्टार्ट करते हैं। आज आ चुका सीजन 1 S1 2, तो मतलब जब आएगा तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो सपोज करो भाई सीजन 2 आ चुका अपने BGMI का, तो भाई या पबजी का। सो भाई फाइट, भाई फाइट कैसी लेनी कैसी नहीं लेनी है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक ना एक या दो TDM खेल के जाना है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी करके जाना ताकि थोड़ा ईजी रहे। और भाई पॉइंट नंबर टू की ओर चलते भाई, फाइट फाइट कैसे लेनी, एग्रेसिव लेनी या सेफ। देखो एग्रेसिव यानी होल्ड ड्रॉप, तो भाई ऐसे होल्ड ड्रॉप भी ऐसे भी नहीं लेने कि मतलब उतरते ही मर जाओ एंड माइनस लगे, क्योंकि देखो भाई उतरते ही मरोगे तो माइनस लगे सीधी बात है। तो ठीक है आप एग्रेसिव कैसे खेल सकते हो, और गोल्ड प्लेटिनम और डायमंड वाले बंदे वो थोड़ा बहुत एग्रेसिव खेल सकते हैं, जैसे कि भाई ड्रॉप के मतलब होल्ड ड्रॉप की आसपास वाली लोकेशन पे या छोटे मोटे कंपाउंडों पे उतर के गन वन कलेक्ट करके एंड जो भी होल्ड ड्रॉप की फाइट है तो वहाँ पे आप जाके इन्जॉय कर सकते हो, यानी बंदे बंदे फैल सकते हो अगर आपको लगे तो। तो सेफ, तो भाई सेफ कौन से वाले खेले, वैसे सेफ तो सभी को खेलना है, चाहे गोल्ड डायमंड या प्लेटिनम वाले हो या क्राउन वाले हो या मतलब समझ रहे हो कौन कौन वाले हो। सो सेफ भाई सीधी बात है, सर्वाइव निकालना पड़ेगा। सर्वाइव टाइम कम से कम 26 से 27 मिनट आपका सर्वाइव टाइम होना चाहिए, तो उसी हिसाब से एक अच्छी सी लोकेशन पे उतरना आप। और भाई क्राउन वाले बंदे भाई जो भी हो क्राउन 5 पे आ चुके हैं नॉर्मली आ जाओगे, सो उनको यार क्राउन टायर पे आते ही टॉप 10 तो करना कंपलसरी है, कंपलसरी यानी समझ रहे हो कंपलसरी करोगे तो वही अच्छा प्लस मिलेगा एंड हो सके तो एक दो किल के साथ अच्छा खासा प्लस मिल जाएगा। एंड भाई देखो पॉइंट नंबर 4 की ओर चलते हैं, भाई टीम अप और हैकर आएंगे। सो भाई उनसे बचने का सीधा तरीका है जोन से बाहर सर्वे करना, तो हो सके तो कम से कम 3 से 4 जोन बाहर सर्वे करके निकालो। ऐसा नहीं बोल रहा भाई आप प्लेटिनम गोल्ड पे नहीं, जब आपको लग रहा है कि भाई लॉबी में कोई हैकर नहीं है प्लेटिनम गोल्ड या डायमंड पे हो तो आपको कोई नहीं, आराम से सेंटर वेंटर खेलना है, दो या तीन जोन बाहर रहना, बाद में आप सेंटर आ सकते हो एंड एक अच्छी सी लोकेशन आपके लिए आप चूज़ कर सकते हो, ताकि कोई भी बंदा आपके कंपाउंड के आसपास से निकले तो उसे मारने का ट्राई करो या उस पर फ्री फायर लो, ताकि वो आप जो भी आपका घर है वहाँ पर वो रुके नहीं। तो यार पॉइंट नंबर 5 की ओर चलते हैं, भाई लैंडिंग सबसे बेस्ट होता है भाई लैंडिंग। तो भाई हो सके तो यार जब आप नॉर्मल टायर पे हो यानी गोल्ड प्लेटिनम और डायमंड पे हो, गोल्ड प्लेटिनम डायमंड, तब आप नॉर्मली आसपास वाली लोकेशन पे उतर सकते हो या होल्ड ड्रॉप के आसपास वाली। देन जब आपको लगे कि भाई आप क्राउन पे आ चुके तो कम से कम आपको 1500 से 2500 मीटर प्लेन पास से दूर चले जाना है। उससे क्या कि जो हैकर लोग या जो टीमों वाले हो तो जो नॉर्मली आसपास ही उतरते सेंटर वाली जगह उतरते, सो वहाँ पे आपको नहीं जाना है एंड उससे आप ऐसे बच सकते हो। एंड जब लगे कि भाई लॉबी में हैकर है तो हो सके तो भाई जितना हो सके सर्वाइव ही करो, तो बस ये सीन शॉट है। तो भाई 6 पॉइंट पे चलते हैं भाई, फाइट अवॉइड। देखो फाइट को हमेशा अवॉइड करना सीखो, सोलो एपीपी है तो मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा लगे कि आप भाई ओपन में हो, ओपन में हो और अगर आप किसी पे फाइट लेने जा रहे हो तो मत लो, मैं बोलता हूँ वहाँ से कल्टी मार लो और कहीं अच्छी सी लोकेशन देखो, क्योंकि देखो ओपन वाली फाइट में बहुत सीन शॉट रहता है, क्योंकि आजकल के टाइम पे जो ना आपको पता होगा नोग्रास लेसरी कॉल चलते हैं ऐसे नुबड़े भरे पड़े हैं तो हर एक में आपको मिलेंगे। सो मैं नहीं चाहता कि वो हैकर्स या वो नुबड़े लोग आपको AK-47 से या कैसे भी करके आपको मार दे। सो भाई अर्ली फाइट अवॉइड करो ताकि आप माइनस से बच सको एंड फाइट लो, जैसे कि मैं बताऊंगा धीरे धीरे किस टायर पे कैसे फाइट लेनी है। तो भाई अब चलो नेक्स्ट पॉइंट यही बना लेते कि भाई पॉइंट
तो किस टायर पे कैसे फाइट लेनी। देखो अगर आप गोल्ड पे हो तो आप टॉप 50 के बाद फाइट में जा सकते हो फाइट लेने, एंड अगर आपको लगता है कि आप भाई प्लेटिनम पे हो तो आप टॉप 40 के बाद फाइट ले सकते हो इजी वे। एंड जैसे आप लगे कि आप डायमंड पे हो तो डायमंड वाले बंदे हमेशा टॉप 30 तक सर्वाइव करना, यानी 30 बंदे तक सर्वाइव करना, बाद में फाइट ले सकते हो। एंड जैसे आपको लगे कि भाई आप क्राउन 5 कर चुके हो, क्राउन 5 या क्राउन क्राउन 5 से क्राउन 3 पे हो, वो टॉप 20 के बाद फाइट ले सकता है बंदा, यानी प्लस मिल जाएगा उनको, ठीक है। एंड जैसे भाई क्राउन 2 और 1 की बात आती है तो भाई उनको उनमें भाई फाइट लेनी टॉप 10 के बाद। अब टॉप 10 सर्वाइव कैसे करना है वही मेन पॉइंट होता है भाई। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे हम बताते रहेंगे आपको। तो चलो ये तो हमने बता दिया भाई किस टायर पे कैसे फाइट लेनी है। तो यार नेक्स्ट पॉइंट अपना होता है कार। देखो भाई कार बहुत ज़रूरी है हर एक बंदे को, यानी कार का मतलब व्हीकल। सो व्हीकल में सबसे बेस्ट होती है USZ, उसके बाद मैं रिकमेंड करता हूँ बग्गी बोल सकते हो या आप डासिया ले सकते हो। तो उन दोनों तीनों में से गाड़ी से तीनों गाड़ी बेस्ट होती है। बाकी FPV की सब बेकार गाड़ी है, यानी TPV की या कुछ भी बोल लो, FPV के लिए सब गाड़ी बेकार है। बाइक हो या ट्रिपल सीटर हो उनमें ब्रेक नहीं लगते, और FPV मोड है भाई तो समझ सकते हो आप कहीं और ब्रेक मारोगे कहीं और जाकर रोगेगी तब तक आपकी पेटी बन चुकी होगी। सो भाई ये गाड़ी मत रखो। और भाई जो नई मिराडो आई है, ये जो भी गाड़ी है उसका नाम मेरे को ढंग से याद नहीं पता, शायद मिराडो होगा। सो मिराडो को कम यूज़ करना बिकॉज सियापा है उसका, तो समझ सकते हो मैकलेरन याद आ गया ना, तो मैकलेरन का बहुत कम यूज़ करना बिकॉज उसकी स्पीड अच्छी है बट डैमेज बहुत गंदा खाती है गाड़ी, एंड ब्लास्ट हो सकती है। सो आप समझ सकते हो। तो यार नॉर्मली यार मैंने ये कुछ पॉइंट्स थे वो बताए, एंड कुछ पॉइंट्स रह गए होंगे जैसे कि भाई हीलिंग। तो भाई कम से कम आपको हर एक गेम में कम से कम भाई 5 हेल्थ किट रखना है। मैं कम से कम बोल रहा हूँ, आप ज़्यादा भी कैरी कर सकते हो, ठीक है। आपको कम से कम 5 हेल्थ किट रखना है, और भाई कम से कम 30 से 35 बैंडेज हर मैच में आपके पास होने चाहिए। एंड बाकी आप अपने हिसाब से बूस्टर रख सकते हो, 3 बूस्टर और कुछ 2 या 3 पेन किलर ऐसे रख सकते हो। बिकॉज यार हमें इतनी फाइट या मतलब मैक्सिमम 2 या 3 बंदे ही मारने होते हैं। आप जैसे आपको जैसे जैसे हाई टायर पे जाओगे आपको पता चल जाएगा कैसे किल मिलते हैं कैसे किल नहीं मिलते। एंड हो सके जितनी स्टार्टिंग हो गई अर्ली फाइट इग्नोर करना, एंड बस यही कहना चाहता हूँ। और हीलिंग में मैंने आपको बता चुका हूँ ये हीलिंग रखना इस प्रकार की। एंड भाई गन में गोलियाँ 100 होगी ना वो भी बहुत होती है, क्योंकि आपको आप किसी बंदे को मार के उसकी पेटी लूट सकते हो। और अगर किसी बंदे को आपने ओपन में किल किया है तो भाई उसे लूटने ऐसे ओपन मत जाना, उसकी पेटी पे स्मोक करना। स्मोक का यूज़ बहुत प्यारा होता है, मतलब रखना ही है। एंड भाई हो सके जितना कवर फाइट लेके खेलो वो सबसे इजी रहता है। एंड भाई गाड़ी तो भाई चाहिए ही चाहिए, FPP है सो समझ सकते हो। एंड जो थोड़े बहुत पॉइंट्स बचे हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ये कुछ था मेरे को, मतलब जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने बताए। इसके अलावा बेस्ट गन कौन थी वो हम नेक्स्ट में बताएंगे, बिकॉज यार इसमें बताना थोड़ा इतना नहीं है, बिकॉज नहीं तो वीडियो क्या होगा थोड़ा लंबा हो जाएगा। लंबा होगा तो भाई कहीं ना कहीं मेरे को मज़ा नहीं आएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। तो यार यहाँ तक देख लो यार, हो सके तो यार प्यार सा लाइक कर दो, एंड एक प्यार सा कमेंट करके बताओ, एंड आपकी फेवरेट गन कौन सी है और सोलो पीवी में कौन सी गन यूज़ करने वाला वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मेरे को पता चले सबसे आपके लिए सबसे बेस्ट गन कौन सी, उजी है, M4 है, AKM है, बैरल है या कौन सी, या मतलब समझ लो AKM 6X। सो मेरे को ज़रूर बताना कौन सी फेवरेट गन है। एंड मिलते अगले वीडियो के लिए, टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।